विधायक विक्रम सिंह जरियाल ने आज सिविल अस्पताल चुवाड़ी में बन रहे कोविड केयर सेंटर की तैयारियों और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके उपरांत भटियात विधायक विक्रम सिंह जरियाल ने आज खंड चिकित्सा अधिकारी समोट सतीश फतेदार को सिविल अस्पताल चुवाड़ी में बन रहे कोविड केयर सेंटर के लिए अपने निजी अंशदान से 50 ऑक्सीजन रेगुलेटर प्रदान किए। उन्होंने बताया कि डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से रोगियों को इलाज के दौरान असुविधा न हो। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि इस वैश्विक महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आएं और इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित बनाएं। बीएमओ स्वास्थ्य खंड समोट सतीश फतेदार ने भटियात विधायक विक्रम सिंह जरियाल का ऑक्सीजन रेगुलेटर उपलब्ध करवाने के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। विधायक विक्रम सिंह जरियाल ने बताया कि कोविड केयर सेंटर चुवाड़ी में जल्द ही 40 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। जिसको के आरएच का दर्जा दे दिया और 100 बेड हो जाएगा। बीएमओ स्मोट एसएमओ सिविल हॉस्पिटल चुवाड़ी, एसडीएम भटियात, दिव्य चक्षु हमारे मंडल प्रेसिडेंट ने हॉस्पिटल का दौरा किया और कोविड की ज़्यादा केस आने की वजह से हॉस्पिटल की अपर बिल्डिंग को हमने कोविड सेंटर बनाया, जिसमें 40 बेड का हमने जो इंतज़ाम कर दिया गया और अलग से कोविड-19 पेशेंट अलग से बाहर से सीढ़ियाँ लगाई, स्टेप लगाए जा रहे हैं और रैंप्स भी अतिशीघ्र हॉस्पिटल में बना दिया जाएगा। आज मैंने 50 ऑक्सीजन रेगुलेटर जो है सिविल हॉस्पिटल चुवाड़ी को दिए, ताकि जिन पेशेंट को ऑक्सीजन जरूरत होगी तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। कोविड-19 40 बेड के लिए जो भी हमने एक अलग से उसको तैयार करना था, उसके लिए 3.5 लाख रुपये हमने दे दिया है और 7 लाख जो है स्टेप्स के लिए दे दिया गया है। समोट पीएससी जो है उसको सीएससी का दर्जा दे दिया गया और 50 बेड हो गया अभी। और हेल्थ वेलनेस सेंटर हिमाचल में सबसे पहले समोट पीएससी में खोला गया था। सब हेल्थ सेंटर सुकैड और सब हेल्थ सेंटर लोगों का भी अतिशीघ्र काम लगा दिया जाएगा। डिस्पेंसरी तुनुहट्टी की बिल्डिंग तैयार होने वाली है। हर एक सिविल हॉस्पिटल, पीएससी और सब हेल्थ सेंटर तथा डिस्पेंसरी में इस टाइम पूरा स्टाफ है और सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और जितने भी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं जितने भी सभी डिपार्टमेंट के, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, वो जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी मदद में लगे हुए हैं। रात दिन जो है हमारे यूथ जो है वो गांव-गांव को सैनिटाइज कर रहा है, गांव में जाकर सैनिटाइजर और फेस मास्क भी बांटे जा रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा सभी से कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, फिजिकल डिस्टेंस रखें, बिना वजह बाहर ना घूमें और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आदरणीय मोदी जी और जयराम ठाकुर जी रात दिन कोविड-19 की लड़ाई के विरुद्ध जो भी कार्रवाई, जो भी स्टेप उठाने थे उठा रहे हैं, इसलिए हम आपस के साथ हैं। भटियात की हर एक जनता, हर एक आदमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।